हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ करिश्मा और आप देख रहे हैं माय आर्ट रिटर्न ब्यूटी। इन फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हेयर स्पा की थ्योरी। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी थ्योरीज आप सभी के साथ शेयर की है। अगर आपने वॉच नहीं की है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिए और नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मेरी वॉइस थोड़ी तेज नहीं आ पा रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सभी नॉलेज दूंगी, मैं किस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करती हूँ मैं सभी कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। प्लीज आप मेरे वीडियोस को एंड तक जरूर देखिएगा और ताकि आपको नॉलेज पूरा मिल सके और मैं क्या कहती हूँ क्या नहीं कहती हूँ ये भी आपको पता चल सके। तो चलिए वीडियो देखते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको टॉपिक डाल देना है हेयर स्पा, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, तो इस तरीके से हेडिंग डालना इम्पॉर्टेंट होता है, हेडिंग से ही हमारे स्टूडेंट क्लियर समझ पाते हैं। तो आप भी आपकी फाइल में हेडिंग जरूर डालें, इस हेडिंग को आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से लाइनिंग वगैरह कर सकते हैं, मैंने नहीं की हुई है बट आप कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, व्हाट इज हेयर स्पा, हेयर स्पा है क्या एक्चुअल में। सबसे पहले किसी भी चीज की शुरुआत करने से पहले हमें उसके बारे में जानना जरूरी होता है कि ये है क्या, तभी हम आगे उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसे कैसे ट्रीट करना है। तो हेयर स्पा होता क्या ये देखते हैं, हेयर स्पा क्या है, मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है। बेजान और रूखे बालों, बेजान और रूखे बालों में जान लाने का तरीका है हेयर स्पा। जी हाँ, डैमेज हेयर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल डैमेज खराब हो जाते हैं, ड्राई से हो जाते हैं, तो उन बालों में एक तरीके से उन्हें नेचुरल दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, शाइनी दिखाने के लिए हम हेयर स्पा करते हैं या हमारे क्लाइंट को हेयर स्पा की एडवाइस देते हैं। अब आगे देखते हैं, यह एक ट्रीटमेंट की तरह काम करता है, जी हाँ ये एक ट्रीटमेंट ही है। अब आगे देखते हैं बेस्ट प्रोडक्ट, देखिए बेस्ट प्रोडक्ट में मेरा ये नहीं है कि मैं आपको ब्रांड के अकॉर्डिंग बना रही हूँ बता रही हूँ सॉरी, ये जो मैं इस्तेमाल करती हूँ और मुझे पसंद आए मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने सोचा है कि अब मैं हर थ्योरी में आपके साथ जो मुझे अच्छे लगते हैं, जिन प्रोडक्ट को मैं इस्तेमाल करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो देखिए मैं लोरियल का इस्तेमाल करती हूँ, 199 में आपको मिल जाएगा छोटा, और मैट्रिक्स का, ये दोनों की रेंज आपको मिल जाएगी, लोरियल थोड़ा कॉस्टली है पर मिल जाएगा इस रेंज में आपका, और मैट्रिक्स ये दोनों में इस्तेमाल में लेती हूँ। तो ये है मेरे अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का नॉलेज, बाकी आप आपके अकॉर्डिंग और भी दूसरे प्रोडक्ट ले सकते हैं। देखिए अब रिक्वायरिंग मटेरियल, तो मटेरियल तो वैसे मशीन्स वगैरह काफ़ी चाहिए, स्टीमर, लेकिन जो नॉर्मली चाहिए वो शैम्पू और स्पा क्रीम, ये दो आपको चाहिए होगी, और जो हिंदी वाले हैं वो ज़रूरी सामान लिख लीजिए। अब आगे देखते हैं, आगे है इसे करने का मेथड क्या है, इसकी विधि क्या है, ये दिया हुआ है। तो देखिए मेथड डाल देना है आपको हेडिंग में और लिख देना है विधि, ओके, हेयर स्पा करने का तरीका, ठीक है, मेथड यानी कि विधि भी होता है और हेयर स्पा करने का तरीका क्या है ये है। सबसे पहले हेयर स्पा शैम्पू से, ठीक है, शैम्पू अलग से भी आप कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं लोरियल का ही यूज करती हूँ। सबसे पहले हेयर स्पा शैम्पू से बालों को नॉर्मल या वार्म वाटर, देखिए वार्म वाटर गुनगुने पानी को कहते हैं और नॉर्मल वाटर तो हमारा नॉर्मल पानी ही होता है, उससे वॉश कर लें। देखिए वार्म वाटर लिखने का पीछे मेरा बेस ये है कि जब ठंड होती है तो हम बिल्कुल ऐसे ठंडे पानी से क्लाइंट को ना करें, क्योंकि उससे उनके बीमार होने का खतरा हो जाता है, तो आप वार्म वाटर का इस्तेमाल करें विंटर्स में, ओके। अब देखते हैं आगे, उसके बाद टॉवल्स कवर कर दें, क्योंकि बाल भीगे हुए हैं तो आपको टॉवल कवर करना होगा, उसके बाद टॉवल कवर कर दें ताकि पानी निकल जाए, एक्स्ट्रा पानी निकालना है ताकि हम जब क्रीम लगाएं तो टपके ना पानी, क्लाइंट इरिटेट ना हो और हम भी, बस इतना करना है, वरना पानी टपकेगा तो हमारी क्रीम भी निकल जाएगी उसमें, तो इतने सुखाना है बालों को कि सिर्फ पानी झरना बंद हो जाए, निकलना बंद हो जाए, टॉवल कवर कर दे ताकि पानी निकलना बंद हो जाए, और ध्यान रहे बालों को गीला ही रहने देना है और टॉवल निकाल देना है। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, उसके बाद आपको बालों के चार सेक्शन करना है, कितने करना है, चार सेक्शन, ओके।
आप सेंटर टू सेंटर पार्टिंग कर दीजिए और ईयर टू ईयर कर दीजिए, ये भी आपके चार सेक्शन आराम से हो जाएंगे। अब मैं पेज टर्न कर लेती हूँ। फोर्थ नंबर का हमारा पॉइंट है, अब हम बालों में हेयर स्पा क्रीम लगाएंगे। स्पा क्रीम लगाना है, जैसे कि क्रीम मैंने ब्रांड वाइज बता दी है और मेरे अकॉर्डिंग बता ही दी है, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ध्यान रहे ये क्रीम हमेशा गीले बालों में ही लगाई जाती है, ड्राई बालों में आप ना लगाएं। जी हाँ, सूखे बालों में बिल्कुल क्रीम नहीं लगाना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए फिफ्थ नंबर का पॉइंट है, हेयर स्पा में नंबर डालना भूल गई हूँ, आप डाल सकते हैं या फिर पैराग्राफ चेंज कर भी लिख सकते हैं। हेयर स्पा क्रीम या आप जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आप क्रीम की जगह घर पर अगर आप कर रहे हैं खुद का, तो आप जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हेयर स्पा क्रीम ही हो। इसे आपको रूट से लेंथ तक पूरा लगाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम रूट पे टच नहीं कर सकते, बिल्कुल टच कीजिए तो, और आपको इसे रूट से लेंथ तक पूरा लगाना है। आपको स्पा क्रीम बालों में अच्छे से लगाना है, इसकी मसाज सारे बालों में 20 से 25 मिनट तक करना है। जी हाँ, 20 से 25 मिनट तक पूरे बालों में मसाज कीजिए, और ध्यान रहे कभी भी मसाज टाइट बालों से नहीं करना है, टाइट हाथों से नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हाथ जब टाइट होंगे तो बाल झड़ने लग जाएंगे। टाइट हाथों से नहीं करें, बिल्कुल हल्के हाथों से लाइट मसाज करें, वरना बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे हेयर स्पा के बाद, ठीक है। मसाज करने के बाद बालों को स्टीम देना है, यानी कि भाप देना है उन्हें। स्टीम आपको 15 से 20 मिनट तक देना है ताकि क्रीम अंदर ऑब्जर्व हो जाए। 20 मिनट बाद नॉर्मल पानी से हेयर वॉश कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बालों को 50% ड्राई करके, यानी कि नेचुरल भी सूखने दे सकते हैं, क्लाइंट को देर हो रही है तो लो ड्रायर चला दीजिए। बालों को 50% ही ड्राई करना है, पूरा ड्राई नहीं करना है, करके यानी कि सुखा के बालों में सीरम लगा दीजिए, ठीक है, और इससे बाल सिल्की शाइनी हो जाएंगे। इस तरीके से हेयर स्पा का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। सो गाइस, ये देखिए इस तरीके से 2 पेजेस थे मेरे हेयर स्पा के, और आज की थ्योरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज थोड़ा वॉइस को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरी वॉइस ढंग से नहीं निकल पा रही है, तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से। सो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी नई चीज के साथ, और अपनी रिक्वेस्ट हमें नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं। सो गाइस, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप भी अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, सेहत का ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।